हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऑरलैंडो डे टू. सो कल हम लोग इतना थक गए थे कि डिनर करने के बाद हम सो गए. मुझे तो बिल्कुल होश नहीं है कि मैं कहाँ पड़ी हुई थी. सुबह मैं उठी हूँ अराउंड 4:30, और उससे पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं कहाँ सोई. घोड़े बेच के जिसको बोलते हैं ना सोना, वो मेरा हाल हो गया था. ऐसे कैसे चलेगा दीदी? फिर सुबह उठे, उठने के बाद मैंने अपना वर्कआउट किया, वंतिका ने अपना वर्कआउट किया, एंड फिर हम लोग फ्रेश हुए. ब्रेकफास्ट हमने अभी तक नहीं किया है. नीचे स्टारबक्स था तो मैंने आने से पहले कॉफ़ी ले ली थी, और अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं जाने के लिए अपनी जो फर्स्ट लोकेशन है आज दिन की. सो वी आर गोइंग टू द डिज्नी वर्ल्ड मैजिक किंगडम, आई थिंक यही बोलते हैं शायद इसको. आई एम वेरी एक्साइटेड यार. और जितना मैंने पिक्चर्स में देखा है मैजिक किंगडम बहुत ही ज़्यादा मैजिकल लगता है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. तो ऑलमोस्ट रेडी हैं. मोस्ट प्रोबेबली आई विल चेंज माय टॉप, देखते हैं. एंड अभी कुछ हम लोग क्लिप्स ले रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से. हम लोग ऊबर करेंगे. अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30. टिकट्स हम लोगों ने ऑनलाइन पहले से ले रखे हैं. सो मेक श्योर इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू कम हियर, अपना टिकट्स पहले से खरीदो. और चलते हैं हम लोग, एंड आई विल टेक यू गाइज विद मी. हाय गाइस, तो अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं, और अभी ना हम लोग जाने के लिए मैं उबर बुक कर रही थी, तब उस टाइम पे मेरे को एकदम से पता चला कि जो रात मैंने मैजिक किंगडम के टिकट्स कराई थी वो कैंसिल हो गए हैं. और रात को 11 बजे उन लोगों ने ईमेल किया. मतलब फॉर अ सेकंड ना मेरे को इतनी तेज गुस्सा आया ना, ऐसा कैसे हो सकता है. मतलब इतना बुरा भी लगा कि यार अगर मैं यहाँ तक आई और मुझे इसके बाद अगर नहीं जाने को मिला तो मेरे को कैसा लगेगा. फिर लकीली अवंतिका ने वेबसाइट पे गए और वहाँ पे जाके हमको टिकट्स मिल गई हैं, कंफर्मेशन आ गई है. हम लोग उबर का वेट कर रहे हैं. आई होप बस हम घुस जाए किसी तरीके से, अभी कैंसिल ना हो बस. आई होप सो. लेट्स सी, उबर बुक की है और वेटिंग टाइम है अभी फिलहाल. ओ एक्चुअली हमारी उबर आ चुकी है और यहाँ से जो मैजिक किंगडम है इट्स अराउंड लाइक 10 मिनट्स दिखा रहा है. सो बगल में ही है. अभी फ़िलहाल तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है. लाइक दिन में तो गर्मी होती है लेकिन शाम के टाइम पे ना एकदम से ठंडी होने लग जाती है. मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है. बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे. आई एम एक्साइटेड क्योंकि इतनी बार देखा है तो देखते हैं कैसा जाता है एक्सपीरियंस. जो टिकट्स अभी हमने लिए हैं वो पड़ी है $169 की पर पर्सन. तो पुराना वाला तो बोल रहे हैं कि रिफंड हो जाएगा अमाउंट, वो मैंने अभी चेक नहीं किया तो वो चेक करती हूँ कि आया है कि नहीं आया है अमाउंट. बस अब किसी तरीके से मुझे पहुँचा दो, अब मुझे नहीं रहा जा रहा है. कंट्रोल कंट्रोल. और एक सेकंड के लिए तो मुझको ऐसा लगा यार, मतलब एक होता है ना, हाँ मैं देख गई दोनों की, हम दोनों की शक्लें ना ऐसी हो गई थी कि अब क्या करेंगे अगर कैंसिल हो गया. क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया हुआ है आज यहाँ जाने का, कल कहीं और जाने का, और अगर बाय चांस नहीं मिलता तो मतलब थोड़ा सा तो मूड ऑफ हो गया था लाइक फॉर अ सेकंड जब देखा. और रात में 11 बजे कौन ईमेल करके करता है कैंसिल, या तो आप कॉल करो या एक मैसेज ड्रॉप करो या कुछ भी. गलती मेरी भी है कि मैंने ईमेल चेक नहीं किए. बट एनीवेज आई होप अब बस मैं घुस जाऊँ किसी तरीके से, फिर मुझे लगेगा कि हाँ एक्चुअली मैं अंदर आ चुकी हूँ. Oh my God! आई वॉज सो एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम, क्योंकि जैसे मैंने बोला मुझे बस घुसना था वहाँ पे किसी तरीके से. जब एक बार मैं एंटर कर जाती तब मुझे लगता कि हाँ एक्चुअली आई हैव एंटर द मैजिक किंगडम. सो विद इन लाइक 15 मिनट्स हम पहुँच गए थे. लकीली हमको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला. और गाइज अभी बहुत लंबा वॉक करना था अंदर जाने के लिए. सो दिस इज़ बेसिकली द मेन स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आप एंटर करते हो, और फिर चलते रहो चलते रहो चलते रहो. फिर उसके बाद एक सेक्शन आएगा जहाँ पर यू नो मोनो रेल के लिखा हुआ है. तो वहाँ पे ना 3 डिफरेंट एंट्रेंस है, एक मैजिक किंगडम की और 2 दूसरे एडवेंचर पार्क में जाने के लिए. मैं तो थक गई भाई. दिस वाज एक्चुअली मी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही इतना चलना पड़ रहा था और अभी हम बिल्कुल पहुँचे भी नहीं थे, तो अभी तो बहुत अंदर जाना था. तो फिर जब हम लोगों ने अपने मैजिक किंगडम के लिए मोनो रेल के लिए गए, वहाँ पर बहुत क्राउड था. इतनी अर्ली मॉर्निंग भी इतना क्राउड था, एंड डेफिनेटली होना भी चाहिए बिकॉज मैजिक किंगडम आपका पूरा दिन ले लेता है, एंड इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग. एंड बहुत वॉक करना पड़ता है, बहुत सारे सेक्शंस भी होते हैं देखने के लिए. तो आप देख सकते हो कि कितना क्राउड है कि मैं फिर से थक गई. मैं तो फिर से थक गई.
सो फाइनली हमारी मोनो रेल आ गई थी. ये हर आई थिंक 15-15 मिनट में आ जा रही थी, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, बट बहुत जल्दी ही आ गई थी. लकीली हम लोग आगे में ही थे तो हम लोग को बैठने की भी जगह मिल गई. अब मोनो रेल से जो मैजिक किंगडम है वो एक तरीके से आप लगा लो कि 10 मिनट लगता है आपको पहुँचाने के लिए वहाँ से. तो अगर आपको सीट मिल गई तो लकीली खड़े हो तब भी इट्स नॉट दैट लॉन्ग. तो वो मोनो रेल आपको मैजिक किंगडम लेके जाती है. आप रास्ते से देख भी सकते हो, आपको एडवेंचर पार्क भी देखने के लिए मिलेगा, आपको मैजिक किंगडम भी देखने के लिए मिलेगा. सो दिस इज़ बेसिकली द मेन एंट्रेंस ऑफ द मैजिक किंगडम, जहाँ पे अभी इतना क्राउड आपको दिख रहा है. यहाँ पे आपके टिकट्स वगैरह चेक होते हैं और फिर आपको एंट्रेंस मिलती है. यहाँ से तो लग रहा था कि यार ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि सामने में दिख रहा था एंट्रेंस घुसते ही बिल्कुल मैजिक किंगडम. लेट मी टेल यू, उतरने के बाद इतना वॉक करना पड़ता है गाइस, आई एम टेलिंग यू. तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो प्लीज़ मेक श्योर शूज़ पहन के आओ यार. हील्स तो गलती से भी मत पहनना. वहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, कुछ लड़कियाँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी, मैंने देखा तो वो वेयरिंग हील्स. एंड आई डोंट नो, मी एंड अवंतिका वर डिस्कसिंग कि कैसे इन लोगों ने पूरा दिन हील्स में निकाल दिया, बिकॉज हम शूज़ में भी हम इतना थक चुके थे बहुत ज़्यादा. तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं. नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट स्टॉप था वो था हमारा टिकट्स चेक कराना, और हम लोग के फ़ोन में टिकट्स थे तो वी ऑलरेडी ओपन द ईमेल और स्कैन कोड जो करवाना था. तो अभी तो चलना ही है, बेसिकली जस्ट कीप वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वॉकिंग, दैट्स इट. हम लोग पहुंच चुके हैं, अब हम लोग लगेंगे सिक्योरिटी चेकअप की या फिर टिकट चेक की लाइन में, मैं बोलूं तो. और लाइन अच्छी खासी है, भीड़ अच्छी खासी दिख रही है, तो मुझे लग रहा है हमको घुसते घुसते एक घंटा तो लग ही जाना चाहिए, या मे बी नहीं भी लगे. सो एक बार सिक्योरिटी चेकअप के बाद वो आपका बैग्स वगैरह चेक करते हैं, टिकट्स चेक करते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली द एंट्रेंस. तो उन्होंने एक लेन टाइप की बनाई हुई है, 3 different. तो अंदर जाते ही ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल एक डिफरेंट दुनिया में आ चुके हो. लाइक इट्स सो मैजिकल एंड इट्स सो डिफरेंट, जैसा बिल्कुल यू नो पिक्चर्स वगैरह में दिखाते हैं डिज्नी के. द इंफ्रास्ट्रक्चर, द बिल्डिंग्स आर सो नाइस, क्रिएटिविटी इज़ ऑन पॉइंट यू गाइज. यू विल डेफिनेटली फील लाइक कि आप डिज्नी की किसी मूवी के अंदर आ गए हो. बट इतना क्राउड होता है, लेट मी टेल यू, किसी भी दिन चले जाओ बहुत क्राउड होता है. बिकॉज वी चेक विद वन ऑफ द वर्कर्स देयर एंड दे वर लाइक एवरी सिंगल डे यहाँ पे बहुत क्राउड होता है, इनफैक्ट वीकेंड्स पे तो और ज़्यादा होता है. अब क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, कुछ खाया नहीं था, हम ऐसे निकल गए थे, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टॉप लिया, वहाँ से चिकन नगेट्स लिए, कुछ खाने के लिए और भी चीज़ें ली. तो ब्रेकफास्ट करने के बाद वी स्टार्टेड वॉकिंग अगेन. एंड लेट मी टेल यू, इतना चलना पड़ता है ना कि आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, लाइक फॉर रियल. यू जस्ट हैव टू, मतलब कुछ मत करो यार, आपके स्टेप काउंट्स तो ऐसे ही पूरे हो जाएंगे. मैं तो तीसरी बार थक गई. सर टेक्निकली इतना वॉक करना पड़ा था ना, हम बार बार एक दूसरे को बोल दे यार हम थक गए, सुबह में ही थक गए क्योंकि इतना ज़्यादा वॉक था. तो अब था एक्साइटिंग पार्ट, पिक्चर्स और वीडियोस लेने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब थोड़ा राइड्स वगैरह लेते हैं. तो मैजिक किंगडम में जो राइड्स हैं वो डिज्नी की मूवीज़ जो हैं, जैसे कि स्नो वाइट, 7 ड्वार्फ्स या फिर एरियल, मतलब जितनी भी मूवीज़ हैं उनसे रिलेटेड अंदर राइड्स बनाई हुई हैं, ताकि आप एक एक्सपीरियंस ले सकें उनके वर्ल्ड का. तो हम लोगों ने फर्स्ट लाइन में लगे, जब हमको नहीं पता था कि इतनी लंबी लाइन होने वाली है. यहाँ पे मैं अवंतिका पे फोकस कर रही हूँ, थोड़ा सन को दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ. अवंतिका पे फोकस कर रही थी पर वो मेरे कैमरा पे बिल्कुल नहीं आना चाह रही थी, उनका बिल्कुल मूड नहीं था. बट स्टिल, और मैं इस टाइम पे यही गाना गा रही थी जो अभी मैंने बजाया है. लाइन बहुत लंबी थी, अभी हमको नहीं पता था, हमें तो लगा कि सिर्फ जितनी सामने में दिख रही है खाली उतनी लाइन होगी. बट लेट मी टेल यू, द वेट टाइम फॉर द राइड वाज 90 मिनट्स एंड इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड. तो हम लोग लाइन में लगे हुए थे और हमको कोई आइडिया नहीं था कि अभी अंदर और भी लंबी लाइन होने वाली है. सो या टेक्निकली दिस वॉज आर फर्स्ट राइड जिसका नाम था स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स. तो ये जैसे वो लोग डायमंड्स वगैरह निकालते थे नीचे माउंटेन्स में जाके या नीचे केव्स में जाके, आई वुड से
नॉट माउंटेन्स. तो वैसा थोड़ा सा इन्वायरमेंट इन लोगों ने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा था. वी वर रियली लाइक टायर्ड खड़े हो के. सो दिस वॉज द मेन एंट्रेंस ऑफ द वॉल्ट. मतलब एक तरीके से उन्होंने ऐसा दिखा रखा था कि आप अंदर जा रहे हो और अंदर ऐसे यू नो डायमंड्स जैसे उन्होंने निकाले हुए हैं ड्वार्फ्स ने, तो उस तरीके का थोड़ा इन्वायरमेंट सा क्रिएट कर रखा था. इट वॉज नाइस, गाने बज रहे थे और थोड़ा सा वाइब वैसा. तो फाइनली द टाइम केम जब हम अपनी राइड का जो आता है हमारा चांस आ गया. हम लोग बैठे, इट वॉज सो फन यू गाइस. कुडंट रिकॉर्ड इट क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरा कैमरा टूट जाए, बट इट वॉज रियली फन. सो फर्स्ट राइड वॉज फन. फाइनली आफ्टर 90-95 मिनट्स हम लोग को बैठने को मिला. अब गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी सो वी थॉट वी शुड टेक अ ब्रेक एंड यू नो ड्रिंक समथिंग. सो हम लोग बैठ के कुछ खा पी रहे थे और लेट मी टेल यू व्हाट हम लोग क्या बातें कर रहे हैं. मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं एक दूसरे को. सो इसलिए मैंने उसको की स्पीड थोड़ी तेज कर दी है. ओके सो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी. अभी हाफ डे मैंने आप लोग को दिखाया है. अभी बाकी का दिन जो है वो नेक्स्ट वाले व्लॉग में मैं डालूंगी तो उसमें देख सकते हो आप. अभी मैं इस वीडियो को यहीं बंद कर रही हूँ बट बाकी का जो है यहाँ से कंटिन्यू हम करने वाले हैं वो अगले व्लॉग में आएगा. सो चेक दैट वन आउट. बट एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग यू गाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग फॉर द सेम डे टू इन मैजिक किंगडम. ठीक है भाई. ओके भाई ठीक है भाई मैं चलता. ओके ओके बाय.